जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में उस वक्त भारी हंगामा मच गया जब इमरजेंसी वार्ड में तैनात एक सुरक्षा गार्ड ने एक व्यक्ति को उसकी प्रसूता पत्नी से मिलने से मना कर दिया, जिसके तुरंत बाद सुरक्षा कर्मी और उस महिला के पति के बीच वाद विवाद हो गया और जहां धक्का मुक्की के बाद दोनों के बीच जमकर हाथापाई हो गई। ट्रॉमा सेंटर में विवाद इतना बढ़ गया कि 100 डायल कर पुलिस बुलाना पड़ा। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर मामला शांत करवाया, जहां फरियादी ने थाना कोतवाली पहुंचकर ट्रॉमा सेंटर के इमरजेंसी वार्ड में तैनात सुरक्षाकर्मी की लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मगरदर्रा तुमड़ी टोला निवासी तूफान सिंह मस्कोले ने अपने 8 माह की गर्भवती पत्नी मालन मस्कोले को पेट में तकलीफ होने पर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया था, जहां गर्भ में बच्चे की मौत होने पर महिला चिकित्सकों ने उसकी डिलीवरी करा मृत बच्चे को गर्भ से बाहर निकाला, जिसका अंतिम संस्कार एक दिन पूर्व गुरुवार को ही हो चुका था, लेकिन प्रसूता की हालत कमजोर होने पर उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करके रखा गया था। उस वार्ड में पुरुष के प्रवेश पर रोक होने के चलते तूफान अपनी साली को इमरजेंसी वार्ड में भेजकर पत्नी का हाल चाल जानना चाहता था। जब तूफान की साली 3 से 4 बार वार्ड के भीतर गई तो उसकी बहन उसे वार्ड में नहीं दिखाई दी, जिसकी जानकारी साली ने अपने जीजा तूफान को दी, जिस पर तूफान व्याकुल हो गया जो वार्ड के भीतर जाने लगा, जिस पर वार्ड के सामने सुरक्षा पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने उसे भीतर जाने से रोक दिया। इसी बीच दोनों के बीच वाद विवाद हो गया और उसके साथ ही हाथापाई भी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि इस विवाद में सुरक्षा गार्ड ने तूफान के सर पर पाइप से हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद ट्रॉमा सेंटर के चारों ओर चीख फुकार मच गई, जहां तूफान के परिजनों ने इस पर आपत्ति जताते हुए जमकर हंगामा मचाया। वहीं मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर मामला शांत करवाया और फरियादी को कोतवाली ले गई, जहां फरियादी की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं के तहत सुरक्षाकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मैं आज कंप्लेंट लिखवाने आया हूं, गार्ड ने मुझे मारा है। मेरी मिसेज जो है भर्ती है जिला चिकित्सालय में पिछले 2-3 दिनों से, और कल रात को ही मेरा बच्चा खत्म हुआ है और बहुत इमरजेंसी वार्ड में है, और मेरी मम्मी उनके साथ है, वो थोड़ा पैरालाइज है, उनसे बनता नहीं। मैंने अपनी साली को बुलाया था गांव से, उनको लेके अंदर जाने के इसमें उनने जाने नहीं दिया, और पूछा मेरे से कौन है अंदर, तो मैंने नाम बताया पूरा मालन मर्स को ले, तो बोले अबे गोंड गुवारे ऐसा वैसा, अब अंदर जान दे भाई, रिक्वेस्ट भी किया उससे अंदर जान दे, बहुत इमरजेंसी में है। तो उनने मुझे गाली गलौज दिया और काला पकड़ा, नहीं जाने, जब एक बार बता रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा कैसा गाली गलौज किया, बाहर लाया और मार दिया उसने मेरे को। उनका नाम ओम नकपुरे बताया जा रहा है, वो गार्ड है। जी, हाँ, शिकायत TI सर के सामने लिखी गई है। इस पूरे मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला अस्पताल के RMO डॉक्टर अरुण लांजेवार ने मामले की जांच कर कार्रवाई किए जाने की बात कही है। इसमें तो भाई उस गार्ड को जिला चिकित्सालय बालाघाट में अभी वर्तमान में जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जो अलग अलग विभाग में जैसे मेडिकल वार्ड है, सर्जिकल वार्ड है, गायनिक वार्ड है, यहाँ पे पेशेंट लोग के आने जाने की व्यवस्था और उनकी सुविधाओं के हिसाब से गार्ड की व्यवस्था कराई गई है, ताकि मरीजों को दिशात्मक मिल सके कि वो कहाँ जाना है और भीड़ ना लगे मरीज के पास में, क्योंकि मरीजों की स्वास्थ्य को देखते हुए उनके पास ज्यादातर भीड़ ना लगे और गंदगी ना बनी रहे, इस कारण से गार्डों को रखा गया है। अगर किसी कारणवश बदतमीजी हुई है और किसी गार्ड ने अगर ऐसा किया है तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी, इस मामले की भी जांच की जाएगी।